फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम टू राधा रानीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी कढ़ी और उसके अंदर सॉफ्ट पालक और आलू के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी लगती है चावलों के साथ या फिर लच्छे परांठे के साथ। तो चलिए हम बनाएंगे अभी कढ़ी। और आप ये जब वीडियो देखें और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलती रहे। कढ़ी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी खट्टा दही लिया है और 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इन दोनों को, बेसन और दही को, आपस में मिक्स कर लेंगे। दही हमने खट्टा लिया है, जितना ज्यादा खट्टा दही होगा उतनी ही अच्छी कढ़ी बनेगी। आप दही भी ले सकते हैं, इसमें आप लस्सी भी ले सकते हैं। और ये अब हम बेसन डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कोई लंप ना रहे बीच में। अभी देखिए दही और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और काफी गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसके छौंक की तैयारी करते हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग के साथ अब हमने 1.5 स्पून जो है मेथी दाना लिए हैं, मेथी दाना डाल देंगे। कढ़ी में मेथी दाना जो है ज्यादा डलता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेथी दाना भून जाएगा तो इसमें हम अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। अब मैं इसमें, ये मैंने अदरक कद्दूकस करके रखे हैं, अदरक डाल दूं। और ये 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 3/4 सूखा धनिया पिसा हुआ है, 3/4 ये हमारी देगी मिर्च है, और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें जो हमने ये अपना बैटर डाला था, बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ में ही अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अभी धीरे धीरे पानी और डालते जाएंगे, मिक्स जैसे जैसे कर लेंगे। अब ये 1 गिलास पानी और डाला है। 2 कटोरी दही था, 1 कटोरी बेसन था और 2 गिलास हम पानी डाल चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि ये काफी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें अभी 1 गिलास पानी और डलेगा इसके अंदर। अब हम 1 गिलास पानी और डाल देते हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है अदरक हरी मिर्च और मेथी दाने का जो भुना है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ रहा है। अब उबाल आने पर हम इसको स्लो कर देंगे। अभी हमने हाई फ्लेम पर रखा है, इसी तरह से ये पकेगी। देखिए अब इसको हम स्लो कर देंगे। अब ये 5 से 10 मिनट हो गए हैं कढ़ी पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पक रही है और बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। अभी मुझे ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है क्योंकि पकने के बाद इतना होना चाहिए, तो हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे कि अच्छी तरह से पड़े कढ़ी। कढ़ी का नाम ही इस पर पड़ा है कि
कढ़ी क्या आ जाता है, कड़ कड़ के बनती है, तो उसको खूब अच्छी तरह से पकाना है कि अच्छा फ्लेवर आए, और जितना खट्टा दही होगा उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। कढ़ी बिना पकौड़ों के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो जब तक कढ़ी पक रही है हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैं बारीक कटे हुए बिल्कुल बारीक चॉप्ड आलू हैं आलू ले रही हूँ। एक आलू लिया है बिल्कुल बारीक किया हुआ, और मैं इसमें बनाऊंगी पालक के पकौड़े, पालक और आलू के। और ऐसे ही बिल्कुल बारीक कटी हुई पालक ली है, जिसको कि काट के अच्छी तरह से हमने धो लिया है। अब इसमें आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखा धनिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू और पालक अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर बेसन डालूंगी, तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी और बेसन की जरूरत होगी तो हम और बेसन भी डाल लेंगे, साथ में ही थोड़ा सा डालेंगे हम जो वही खट्टा दही जो हमने कढ़ी के लिए रखा था, वही खट्टे वाला दही थोड़ा सा डाला है, क्योंकि इसमें हम मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, उससे जो है घी भर जाता है पकौड़ों के अंदर, तो हमने अपना ये खट्टा दही ही डाला है। और अब इसमें थोड़ा बेसन और डलेगा, अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देती हूँ, और ये अब बैटर बिल्कुल तैयार है। वहाँ हमारा घी भी गर्म हो गया, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने डालना है, तो ये ऐसा बैटर रेडी होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो पकौड़े जो है बहुत हार्ड बनेंगे, पतला होगा तो घी में डालते ही फैल जाएंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं कढ़ी कितनी अच्छी तरह से पक रही है, स्लो पर हमने कढ़ी को रखा हुआ है और वो अच्छी तरह से कड़ कड़ के पक रही है। इधर अब हम पकौड़े रेडी करते हैं, चेक कर लेते हैं कि घी गर्म हुआ है कि नहीं। घी देखिए अच्छी तरह से गर्म है। अब हम इसमें जो आलू और पालक का हमने बेसन के साथ बनाया था घोल, वो डालते जाएंगे। आप चाहे हाथ से डालिए और चाहे आप चम्मच से डालिए, थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और डालते जाएंगे, और ये हमारे आलू और पालक के पकौड़े तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम सारे पकौड़े रेडी कर लेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि पकौड़े, ये देखिए कितने अच्छी तरह से पक रहे हैं। इसको हम थोड़ा ज्यादा लाल होने तक तलेंगे कि क्रिस्पी पकौड़ा निकल के बाहर आए। ये पकौड़े रेडी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। सारे पकौड़ों को इसी तरह से निकाल लेंगे, और जो बाकी और बैटर बचे है उसके भी पकौड़े हम इसी तरह से तल लेंगे। निकालते ही कढ़ी के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो वो हार्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जब तक कढ़ी पक रही है, उसके बाद हम कढ़ी में ये पकौड़े डालेंगे। आप देख सकते हैं कढ़ी कड़ कड़ के कितनी अच्छी तरह से पक गई है, पहले से काफी कम भी हो गई है। हमारे पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, कढ़ी भी तैयार है। अब हम इसके अंदर पकौड़े अपने डाल देते हैं, और फिर यह हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। आलू और पालक के पकौड़े कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। पकौड़े अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सिर्फ बेसन के पकौड़े भी हो सकते हैं, सिर्फ आलू के पकौड़े भी हो सकते हैं, और आलू और पालक के मिक्स पकौड़े भी हो सकते हैं। तो कढ़ी का टेस्ट दुगना कर देते हैं ये पकौड़े। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे कि पकौड़ों में भी कढ़ी जो है रस जाए, और ये हमारी खट्टी खट्टी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। कढ़ी अब तैयार है, अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और ये कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें एक ऊपर का छौंक और लगाएंगे।
हमने इस पैन में थोड़ा सा घी लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 साबुत लाल मिर्ची और सूखी हुई कस्तूरी मेथी। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये छौंक हमारा रेडी है जो कि हम अब कढ़ी के ऊपर डालेंगे। अब इसको कर देते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। बिल्कुल बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इस कढ़ी को राइस के साथ या फिर लच्छे परांठे के साथ भोग लगाएंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें।